तेजा सज्जा और ध्रुवा सरजा जो कि साउथ इंडस्ट्री के वन ऑफ द टैलेंटेड एक्टरों में से एक है, जहां पर हाल फिलहाल में तेजा सज्जा की फिल्म आई है हनुमान, जो कि ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, 250 करोड़ कमाने के बाद कमाती जा रही है। वहीं पर लोग ध्रुवा सरजा की आने वाली फिल्मों का भी इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अब इन दोनों एक्टरों की आ रही है काफी बड़ी फिल्में, और खास बात यह है कि ये बड़ी फिल्में पैन इंडिया रिलीज होंगी और कुछ तो पैन वर्ल्ड भी। अब कौन सी फिल्म आ रही है, कब, उस सब की बात करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं बिंदेरी के यार। तो सबसे पहले बात करेंगे एक्शन प्रिंस ध्रुवा सरजा की आने वाली फिल्मों की। तो इनकी जो पहली फिल्म है उसका नाम है केडी द डेविल। केडी द डेविल एक गैंगस्टर एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्शन दे रहे हैं प्रेम, जिसके लीड रोल में आपको ध्रुवा, रिश्मा, संजय दत्त, शिल्पा शेट्टी, रविचंद्रन जैसे कलाकार नजर आएंगे। इनकी कास्ट काफी बड़ी है, जहां पर आपको कहानी देखने को मिलेगी एक ऐसे गैंगस्टर की जो गरीबों के लिए तो है मसीहा, लेकिन गुंडों के लिए है उनका बाप। जिस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं सप्रीत, जी हां दोस्तों सप्रीत वही है जो कि भाई साहब यस की आने वाली फिल्म टॉक्सिक को भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि इस फिल्म को भी केवीएन प्रोडक्शन के बैनर तले बनाया जा रहा है, जिस फिल्म को फरवरी 2024 में रिलीज किया जाता बट अब ये डिले हो चुकी है, तो ये अप्रैल 2024 में आएगी, जिसे पैन इंडिया रिलीज किया जाएगा, यानी कि कन्नड़, तमिल, तेलुगु और हिंदी भाषा में दोस्तों। करूं नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है मार्टिन। मार्टिन एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्शन दे रहे हैं एपी अर्जुन, जिस फिल्म का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है, जहां पर लीड रोल में आपको ध्रुवा सरजा के साथ वैभवी सांडलिया भी नजर आने वाली है, जिसके अंदर आपको ध्रुवा सरजा एक इंडियन और ऐसा वैसा इंडियन नहीं, खतरनाक इंडियन जिसने कुछ गुनाह किए हैं, जिस वजह से वो पाकिस्तान जेल में जाएगा, जहां पर उसके खून के प्यासे हैं सभी, लेकिन ये उनकी भी बैंड बजाएगा और पाकिस्तान की जेल से फरार हो जाएगा। जी हां दोस्तों, ये सब इस फिल्म के अंदर दिखाया जाने वाला है। फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं उदय मेहता, यानी कि वैश्वी एंटरप्राइज के बैनर तले इस फिल्म को बनाया जा रहा है, जो फिल्म अप्रैल में आने वाली थी लेकिन अब इसे सितंबर 2024 में रिलीज किया जाएगा, और यह भी पैन इंडिया ही रिलीज होगी यार। बात करूं नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है राइनो। राइनो एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्शन देंगे शिवा अर्जुन, जिसके लीड रोल में आपको ध्रुवा सरजा नजर आएंगे, और ध्रुवा सरजा इस फिल्म के अंदर एक इंडियन हल्के के रोल में नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उनका वेशभूषा देख के और बॉडी देख के आप हैरान होने वाले हो, जहां पर एक्शन और धमाकेदार फाइटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। जिस फिल्म की शूटिंग सितंबर 2024 के एंड में स्टार्ट होगी और इस फिल्म को 2025 में पैन इंडिया रिलीज किया जाएगा। तो अब बात करेंगे तेजा सज्जा की आने वाली फिल्मों की। तो उनकी जो फिल्म है उसका नाम है जय हनुमान, जिसे आप हनुमान 2 भी कह सकते हो, जो कि एक्शन एडवेंचर ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्शन प्रशांत वर्मा ही देंगे, जिसके लीड रोल में आपको तेजा सज्जा नजर आएंगे, साथ में आपको इसमें रामचरण और राणा दुग्गुबाती और बॉलीवुड का एक और बड़ा सुपरस्टार नजर आने वाला है, और इस फिल्म को लगभग 200 से 250 करोड़ के बजट में बनाया जाएगा, क्योंकि इसका फर्स्ट पार्ट आपको तो पता है अभी भी चल रहा है सिनेमाघरों में, 250 करोड़ कमा चुका है, 300 करोड़ की तरफ वो चल भी दिया है, जिस वजह से इस फिल्म का बजट बढ़ाया गया, जहां पर आपको तेजा वही सुपर हीरो यानी कि हनुमत के रोल में नजर आएंगे, लेकिन रामचरण आपको प्रभु राम के किरदार में, राणा दुग्गुबाती यहां पर अहम रोल में आपको नजर आने वाले हैं। जिस फिल्म का प्रोडक्शन का काम स्टार्ट हो चुका है और फिल्म की शूटिंग जल्द यानी कि जुलाई 2024 में स्टार्ट हो जाएगी, फिल्म को 2025 में पैन वर्ल्ड रिलीज किया जाएगा। जी हां दोस्तों, अब ये फिल्म 12 भाषाओं में आई थी, लेकिन ये वाली यानी कि जय हनुमान लगभग 15 भाषाओं में आई। बात करूं उनकी नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली हनुमान 3। हनुमान 3 एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा फिल्म होगी, जिस फिल्म को डायरेक्शन प्रशांत वर्मा ही देंगे, जिसके लीड रोल में तेजा सज्जा नजर आएंगे, और यहां पर आपको ये फिल्म पार्ट 2 से भी बड़े बजट की फिल्म नजर आएगी, यानी कि लगभग 350 करोड़ के बजट की, क्योंकि आपको तो पता है फर्स्ट फिल्म ने गोल सेट कर ही दिया है। तो इस फिल्म की जो शूटिंग है वो 2025 के एंड में स्टार्ट होगी, 26 और 27 के बीच इस फिल्म को पैन वर्ल्ड रिलीज किया जाएगा। तो ध्रुवा सरजा और साथ में तेजा सज्जा की ज्यादा फिल्में तो नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी वो मैंने आपको बता दी, क्योंकि कमेंट काफी ज्यादा आया करते थे दोस्तों। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा, चैनल सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय यार।